अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व आल इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आल मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व आल इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से ये कायनात चल रही है, ये निज़ाम चल रहा है, ये सितारों की चमक, ये सूरज की रोशनी, ये चांद की चांदनी, ये समंदर की लहरें, ये दरियाओं की मौजें, ये फूलों की खुशबू, ये ज़मीन का सब्ज़ा, ये आसमान की ऊंचाई, सब उसी की तारीफ़ हैं। अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े से इस दुनिया को पैदा फरमाया और अल्लाह ताला का महबूब तरीन मखलूक इंसान है और इंसान का इंसानों में अशरफुल मखलूकात सबसे ज़्यादा जो है खैर सबसे ज़्यादा जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रुतबा है। आप सैयद अल मुरसलीन खातम नबीन नबीउल उम्मी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में आपके आप पे और आपकी औलाद पे दरूद व सलाम। आप जो भी आदमी इस दुनिया में कोई तकलीफ होती है तो उसका हल अल्लाह तबारक व ताला पहले दुनिया में रख देता है। कोई भी बीमारी हो उसकी दवाई आपके इलाके आपके पस गिरदाई में होगी। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि किसी को मालूम होता है और किसी को मालूम नहीं होता है। अब की ये जो मैं अभी बात करूँगा खवासुल हैवानात के बारे में, ये किसी किताब की बात नहीं बता रहा बल्कि ये मुझे मुकाशफा हुआ था, मुझे इस चीज़ का कशफ हुआ था कि अगर कोई भी सहर व जादू का मरीज़ हो, बहुत ज़्यादा सहर व जादू से मुतासर हो, कोई भी आदमी बीमार हो, ठीक नहीं हो रहा, तो उसको क्या करना चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला ने एक जानवर बनाया है जिसे खरगोश कहा जाता है। खर का मतलब है गधा और गोश का मतलब है कान। ये पर्शियन लैंग्वेज का कंपाउंड वर्ड है। खरगोश यानी गधा, गधे जैसे जिसके कान हो। खरगोश बहुत तेज़ रफ्तार होता है। खरगोश पलक झपकते ही बहुत ज़्यादा फासला तय कर लेता है। खरगोश डरपोक जानवर भी है। खरगोश जो है वो खरगोश जो है उसको जब शिकारी पकड़ते हैं तो उनको मुख्तलिफ चीज़ों से पकड़ा जा सकता है, लेकिन उसका एक आसान तरीन जो शिकारियों ने हल निकाला है वो टार्च या लाइट, उनको सर्च लाइट लगाते हैं तो उनकी आँखों को जैसे ही लगती है तो वो कहीं हिलजुल नहीं सकते, फिर उनको वो पकड़ लेते हैं। खरगोश के बहुत सारे फवायद हैं। ये इसका ते हमल में भी मुफीद है और ये तस्खीरुल जनान के लिए भी मुफीद है। खरगोश जो है घास खाता है और जल्दी से बच्चे भी पैदा करता है। ज़मीन के अंदर ये अपना घर बनाता है, अंदर ही अंदर सुरंग लगाता है। खरगोश या रैबिट जो है इससे जो है जिन्नात शयातीन डरते हैं। खरगोश
को कुछ फुका में मकरू कहा गया है और कुछ में हराम, कुछ में हलाल कहा गया है। बैरकैफ आप जिस भी फिका से मुतालिक हों, आप अपने फिका के मुताबिक चलें। अगर आपको अपनी फिका इजाज़त देती है तो आप ये करें, अगर नहीं देती तो उसको ना करें। खरगोश का अगर कोई भी मरीज़ जिसको जोड़ों में तकलीफ़ हो, जिसे वजल मफासल कहते हैं, उसके खाने से, उसको खरगोश के खाने से फ़ायदा होता है, और अगर फेफड़ों की कमज़ोरी हो तो भी खरगोश उसके लिए भी मुफीद है। अगर जंगली खरगोश मिल जाए तो वो बेहतर रहता है, क्योंकि वो बहुत सारी जड़ी बूटियां खाता है और खरगोश से बहुत सारी विटामिन्स और तवानाइयाँ हासिल होती हैं। अक्सर बड़े लोग जो हैं वो खरगोश को पकड़वा के, वो जंगली खरगोश को पकड़वा के उसका गोश्त खाते हैं और सेहत का ख्याल रखते हैं, लेकिन खरगोश के जो शहरी और जादुई असरात हैं उसमें एक असर ये है जो मुझे कशफ में बताया गया था कि अगर किसी के ऊपर सहर और जादू सख्त हो, किसी भी तरह का हो, बीमार रहता हो और उसको सहर और जादू उससे ख़त्म नहीं हो रहा, तो फिर वो खरगोश का गोश्त खाए, खरगोश के गोश्त का जो है सालन पका के खाए। खरगोश का जो है गोश्त, उसका सालन पका के खाएगा तो उससे जो है उसको, उसके ऊपर जो सहर और जादू के असरात होंगे, बंदश के असरात होंगे, सारी जितने भी उनके ऊपर बीमारी के असरात होंगे जो सहर और जादू के ज़रिए मुसलत की गई होंगी, किसी तरह की भी बीमारी हो वो उससे बातिल हो जाती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं आप लोगों के जो मेरा वीडियो है उसमें, मेरा जो वीडियो है वो सिलसिला कादरिया से, तो कादरिया फैज़ आम है और हम मखलूक़ात खुदा की खिदमत के तहत ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जिससे आप लोग इससे इस्तफादा कर सकें। तो खरगोश को खाने से सहर व जादू बातिल हो जाएगा और अगर बीमार आदमी होगा तो वो भी ठीक होगा। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप लोग इससे इस्तफादा करेंगे और मखलूक़ खुदा की खिदमत करेंगे। खुदा हाफिज़।